अरे भाई यहाँ चल के रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्या खाने के लिए आया था तू यहाँ? शराब पी के चुप रहे तू? ए तू फोन लगा उसको और पूछ उसको। ए सच बता यार, तुम लोग करने क्या वाले हो? अरे यार कहाँ पर है तू यार? यहाँ जल्दी आ, बहुत समय हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर कोई देख लेगा ना तो हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। हे जीवा, तू बारिश में बाहर क्यों खड़ा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ खराब है। चला गाड़ी पे बैठ। तुम लोगों के रूम में रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? चल रूम पर चलते। नहीं आऊंगा, तू अकेला ही जाकर वहां देख ले। तू आने वाला है या नहीं? चल आना। मैं नहीं आऊंगा, तू जा। बारिश हो रही है यार। तुझे क्या तकलीफ है? जाकर दरवाजा खोल कर देख, अंदर देख क्या चल रहा है। अब अंदर जाकर क्या देखूं? जाना दरवाजा नॉक करना। हे खोलो रे, दरवाजा खोल। ओ गॉड, हे हे तू अभी क्यों आ गया यार? क्यों, घर का किराया मैं ही देता हूँ, कभी भी आ जा सकता हूँ। चल हट, हे रास्ता छोड़ना। चल हट। हे इसके साथ क्या किया? कुछ नहीं किया यार। वो बारिश में जाकर क्यों बैठा हुआ था? ए? हे बताना क्या किया इन लोगों ने। अरे वहां कुछ नहीं है। छोड़ रहे इसकी तो। अबे कैसा इंसान है बे तू? जा रे। आखिर तुझे प्रॉब्लम क्या है? Blaze the fire, come make we burn Babylon. Blaze it, blaze it, blaze it, blaze it. Blaze the fire, come make we burn Babylon. Blaze it, blaze it. अबे कमीने लोग। Blaze the fire, come make we burn Babylon. Blaze it, blaze it, blaze it, blaze it. Blaze the fire, come make we burn Babylon. Blaze it, blaze it, blaze it, Babylon. ये लो भाई कॉन्डोम। अबे क्या कर रहा, छुपा नहीं से। ये लोग कब आ गए? पता नहीं यार। एक दिन मैं रूम पर नहीं रहा तो तुम लोग अपनी मर्जी चलाओगे क्या? इसको लड़कियां पसंद नहीं है ये जानते हो ना? कितनी बार भी बोलूं पर समझते नहीं हो। ऐसा नहीं है यार, मुझे लगा तुझे आने में थोड़ा लेट होगा, सभी लड़कों का मन था तो इसीलिए यार। रूम रहेगा तभी तो इच्छा होगी, अभी के अभी रूम खाली करवाता हूँ। हे अरे भाई, अरे सुनो। हे hey, पहले तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। अरे भाई सॉरी ना यार, आज के बाद तुझे जो पसंद नहीं हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, प्लीज भाई। हे जरा तू ही समझाना, ऐसे खाली करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। हे इन लोगों को छोड़, पहले उसे बाहर जाने को बोलना। लड़ाई झगड़ा बाद में करना, मुझे पहले पैसे दो। वो सब तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर क्या? जाओ जाओ। hey, आपने पेट के लिए कमाने आई और तुम लोग पैसे देख रहे हो? मैं देता हूँ। अब ये लोग बुलाए तो कभी मत आना। क्यों, इस मामा को लड़की पसंद नहीं आती क्या? तो पैदा ही क्यों हुआ? जाओ यहाँ से। हे ये कॉन्डोम तो वेस्ट हो जाएगा यार। ए अगर तू ये यूज नहीं करेगा तो मुझे दे दे, मैं यूज कर लूंगी। बाप रे, चलो यहाँ कोई नहीं है भाई, चलो भाई। भाई इस स्टॉप पे गाड़ी रोक दे। अरे
से चिपकते जा रही है। अरे गाड़ी रोक, अरे गाड़ी रोक ना, मुझे उतरना है, रोक। गाड़ी कैसे चला रहा है जी? ए, मेरे पैसे वापस दे। क्यों, क्या हुआ? मेरे पैसे वापस दे। हाँ बोल। ए, निकाल मेरे पैसे। क्यों, निकाल। क्या हुआ, तू गाड़ी से क्यों उतरा? ए, तू सारी लड़कियों को ही बैठाया जा रहा है, तो भला मैं कैसे बैठूंगा अंदर? निकाल पैसे निकाल। अरे तेरे को पता है कि लोग अपनी कार छोड़कर मेरी इस गाड़ी में क्यों आते हैं? लड़कियों से चिपक के बैठने के लिए। ए, पैसे दे मुझे। ले, तेरा 5 रुपए पकड़ ले। कल से अगर तू रोड में दिख गया ना तो गाड़ी के नीचे दबा दूंगा तेरे को। चल निकल। सुबह सुबह कहां से आ जाते हैं पनौती कहीं के? चल जा निकल, अब खड़ा क्या है? चल जा ना, मुझे सब पता है। ऑटो ऑटो, जा 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 जा, बोला ना तुम जाओ ना। ऑटो रुको रुको रुको। अरे अरे ठीक है, जाओ 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 जाओ। अरे बोला ना जाओ जाओ। सर, हर ऑटो में ही लड़कियां हैं। क्या हुआ सर, सब ऑटो रोक रहे हो लेकिन बैठ किसी में भी नहीं रहे हो? अरे हर ऑटो में ही लड़कियां बैठी हुई हैं और सब चिपक कर बैठी रहती हैं। गांव में जेंट्स को ले जाने वाली गाड़ी नहीं है क्या? ओहो, ये वो हो सकता है। हेलो। अरे भाई मुझे उन सब में इंटरेस्ट नहीं है, साथ में जाते मैं जा रहा हूँ। रोहित, आई लव यू यार, आई लव यू मेरी जान। मेरे घर वाले सारे लोग गांव चले गए हैं, मैं घर पे अकेली हूँ। अरे ये वो क्या रहा है? चिच जा यार, तू मेरे घर के पास भी मत आना, और अगर तू आ भी गया तो मेरे साथ तू कुछ भी गलत नहीं करेगा, और अगर गलत कर भी लिया ना तो बाहर किसी को मत बताना। ओके, एड्रेस लिखो, नंबर 1 दूसरी गली। अरे फोन कट गया क्या? ओहो, सर आप अपना फोन दोगे जरा क्या? बस मुझे एक कॉल करनी नहीं, है। नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूंगा। प्लीज दूर रहिए मुझसे। क्या सर, आप कितने कंजूस हो? अब तो मोबाइल का बिल भी बहुत कम आता है ना, चाहिए तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। हेलो, दूर खड़े रहिए आप मुझसे, किसी ने देखा तो मुझे गलत समझेगा। हेलो हेलो, यहाँ पे जो डायलॉग मुझे बोलना चाहिए वो आप बोल रहे हो? मैं ही नहीं, कोई भी लड़की आपके करीब कभी नहीं आएगी। तुमसे बात करके तो सेलफोन का आविष्कार करने वाला भी मर जाए। अरे यार, आज ऑटो में तो मजा ही आ गया था। ऐसा क्या हो गया? एक तरफ त्रिशा जैसी और एक तरफ अनुष्का जैसी और बीच में मैं था। और फिर? और फिर क्या, 10 रुपए देकर 10,000 वाला फील लिया है मैंने। थू। ए, जो उधर थूक रहा है ना, इन लोगों के चेहरे पर थूक। जब देखो लड़कियों की ही बातें करते रहते हैं, सबसे पहले इस दुनिया से लड़कियों को ही मिटाना चाहिए। इसको मुझसे जलन हो रही है, पहले इसे इस रूम से निकालना होगा, तभी जाके हमें सुकून मिलेगा। हेलो हेलो ब्रदर। सर क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? बोलिए ना क्या करना है। मुझे टॉयलेट तक लेकर जा सकते हैं? जी जरूर। संभल कर, संभल कर। आ जाइए, आराम से चलिए, इस तरफ आइए। सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चश्मे को जरा ध्यान से संभाल के रखिएगा सर, और इस छड़ी को। आप जाइए, अभी आता हूँ सर। जाइए आप, अब यहीं रुकिए। संभल कर। या
मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, बाद में कॉल करूंगी। ओके बाय। हाय देवी। हाय। देखा तुम्हारे टाइम पे पहुंच गई मैं। तुम एमडी से मिलने के लिए सही टाइम पे आई हो, लेकिन उनसे मिलने के लिए थोड़ा टाइम और लगेगा। ओके नो प्रॉब्लम, वेट कर लूंगी। ठीक है। एक कुमार। जी मैडम बोलिए। देखो ये। सॉरी गलती हो गई। क्या है कुमार? जाओ। सॉरी एमडी से मुझे अभी मिलना था, अब कैसे मिलूंगी? सॉरी। ठीक है। इवनिंग फंक्शन में जाने के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। मेरी ड्रेस तुम्हें फिट होगी ना? ले आओ। एक मिनट रुको। थैंक गॉड। वहाँ जाके चेंज कर लो। ओके। सर कहाँ हो सर आप? ब्रदर, मैंने आपको स्टिक और चश्मा दिया था। आ गए ये लो। मेरा स्टिक और चश्मा मुझे दे दो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्रदर आप बचपन से ही अंधे हो क्या? जी हाँ सर। आप बहुत मासूम हो, चलिए आइए। रास्कल, इतनी देर तक तू अंधा होने का नाटक कर रहा था क्या? जरा भी अक्कल नहीं है? इसके लिए दिमाग की क्या जरूरत, आँख है तो देख लिया। ये सब मैंने फिल्मों में देखा है, अब कभी सामने नहीं देखा तो आज देख लिया। सर ऐसा आपने क्या देखा सर, मुझे भी बताइए ना सर। बताऊँ क्या मैं? चलो आ जाओ। क्या सर, यहाँ से लवर है क्या? अंदर बोलिए ना सर। छोड़िए, बताइए ना सर। बता क्या बात है। गो। हाय, आप हो क्या? इस ड्रेस में खूबसूरत लग रही हो। क्या देख रहा है तू? क्यों, तेरी जोड़ी मिल गई क्या तुझे? बबलू, डोंट शाउट। हे, व्हाई आर यू शाउटिंग? हे बबलू, हे बबलू। हेलो मैडम। हेलो मैडम, उठ जाइए। क्या हुआ? ए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पेट क्लिनिक है और तुमने तो इसको बेडरूम बना दिया है। डॉक्टर, मुझसे टकरा कर ये गिर गई हैं, और आप भी ना, थोड़ा पानी लेकर आइए। अरे कोई पानी लेकर आओ मैडम, पानी लेकर आओ। आंखें खोल लीजिए मैडम। मैडम, अरे क्या हो गया इस लड़की को? मैडम आर यू ओके? माय बबलू, माय बबलू। मैडम
आपका बबलू और मेरा अर्नाल्डो दोनों प्यार हा? करने गए हैं। तब तक हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना। आप गलत क्यों सोच रही हैं? मैडम आप चिंता मत कीजिए, मेरे अर्नाल्डो को बादाम पिस्ता खाकर पाला हूँ मैं, बहुत स्ट्रांग है मेरी तरह। मेरा बबलू बिल्कुल ऐसा नहीं है, हा? बहुत वीक है। आपके जैसा क्या? ओके ओके ये लीजिए। हे हे हाय। हे हाय। मिलकर बहुत दिन हो गए थे आप इस तरफ। मेरी बबलू को बच्चा होने वाला है। ओहो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो उसके हस्बैंड को भी बुला लूं क्या? कौन है हस्बैंड? वही मेरा अर्नाल्ड। हे तो फिर आपका अब क्या? नहीं नहीं आप कब जा रही हैं ये पूछने वाला था, क्योंकि थोड़ा काम है मुझे। ओ, तो लिमिट में रहो। जा जाओ। बाप रे। कहीं दिखाई नहीं दे रहा बेटा। यही बेटा, तो कौन चाहिए तुम्हें? क्या ढूंढ रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यार बेटा मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, किसे ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, हमारे घर का वारिस यहाँ पल रहा है, सोचा देखता चलूँ उसे मैं। ये क्या बोल रहा है, इसके घर का वारिस यहाँ पल रहा है? ओहो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। दरवाजा खोलो पूर्णिमा। ओहो कैसे आपकी इज्जत चली गई? मेरी इज्जत क्यों जाएगी? शादी होने से पहले मैंने अपने पति को हाथ नहीं लगाने दिया था, तेरी जैसी हूँ क्या? क्या माँ तुम भी कंफ्यूज करती रहती हो। मैं कंफ्यूज कर रही हूँ? वो एकदम क्लियर बोल के गया है उसके घर का वारिस यहाँ पल रहा है। ज्यादा बोलो मत, पहले जाके मेरा ड्रेस लेके आओ। जाओ बाहर आके देखो तुम्हारा लवर आया है। बबलू बबलू। पूर्णिमा का हस्बैंड दिखने में बहुत अच्छा है, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ ये इस घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। बबलू अरे बबलू यहीं पर हो क्या? कब से ढूंढ रहा था। बबलू एकदम आराम से रहने का, अच्छा खाना खाने का, अपने सेहत का ध्यान देना। बबलू मेरी लाडली। तुमने मेरी माँ को क्या बोला? हाँ हमारे घर का वारिस यहाँ पल रहा है यही बोला। तुमने ही बोला था ना बबलू बच्चा देने वाली है, वही बोला मैंने। देखो बबलू बबलू लाडली। ठीक है बाद में आकर मिलता हूँ, चलता हूँ। ठीक ये बात थी, मुझे लगा तुम हमारे घर के दामाद बनकर आने वाले हो। लो कॉफी पियो। कोई बात नहीं आपके घर का दामाद बनने के बाद पी लूंगा, चलता हूँ मैं। एक मिनट रुको। कप? क्या कप? वही मेरे घर के दामाद बनकर आने वाले हो बोल रहे थे ना। शाम को पार्क में आओ तब बताता हूँ। हेलो कहाँ है यार तू, कब से यार है? हाय हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं मैं बाहर हूँ। ठीक है जाते हैं। ठीक है ओके जाते हैं। ओके कहाँ जाते हैं? ये बीच वगैरह नहीं जाते यार। अरे माँ पहले मास्क पहनो तुम। मास्क पहनो, बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं। पुणे पुणे नहीं पुणे, अरे क्या कर रही हो, मेरी बात सुनो। मार डालूंगी।
सॉरी 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 बुढ़ी, सॉरी माफ कर दो, सॉरी 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 बुढ़ी, माफ कर दो, सॉरी मेरी बुढ़ी, क्या कर रही हो, सॉरी, अरे मेरी बात सुनो, सॉरी बुढ़ी, मेरी बात सुनो बुढ़ी, तूने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया, तुझे मैं मार डालूंगा, तू पागल है क्या, मैं इससे शादी करने वाला हूँ, जाकर सॉरी बोल बुढ़ी, अपूर्णी, अपूर्णी, अरे बाप रे, सॉरी डार्लिंग, सॉरी, प्लीज प्लीज माफ कर दो, प्लीज सॉरी, तुम कौन हो ये जाने बिना उसने कर दिया, मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी यार, बात मत करना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, प्लीज, ओह बाप रे, क्या करूँ, सुनिए सॉरी जी, सॉरी यार, वो कौन है ये जाने बिना मैंने ऐसी हरकत कर दी, ठीक है छोड़ यार, पुर्णी उठ जाओ यार, प्लीज डार्लिंग, हे पुर्णी उठ जाओ ना, पुर्णी प्लीज अब उठ भी जाओ, क्या कर रही हो, क्या है, मुझसे बात मत करो, जाओ, कौन है वो, एक नंबर का जंगली है वो, सॉरी यार, तुम कौन हो ये जाने बिना उसने ऐसा किया, उसे बहुत गाली दिया मैंने, मैंने उससे कहा तुम मुझसे बात नहीं करोगी, इधर देखो कितनी चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, अब मैं दवाई लगा देता हूँ, लहरों को बनते देखा, ऐसे ही लहरें उठती है मेरे मन के अंदर भी, कल का जो सपना देखूं उसको पूरा अभी कर दूं, तुझको उठा कर ऊपर सारी दुनिया घुमा तो जानू, हमको ऐसी आदत पड़ जाए पंछी जैसा दिल ये उड़ जाए, छू कर आए बादल हम तुम अब हो जाएगी रे रिमझिम, आई लव यू सोनिया Sonia, I love you, Sonia, 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 Sonia. तारीफ तेरी करता हूँ मैं
रस्में तेरी मैं लिखता, नज़मे भी तेरी लिखता, जिन में होता है जाना सारा तेरा ही अफसाना। सच को कहा है मैंने खुल के, राज खोले हैं सारे दिल के, चलो बसाए अपनी दुनिया अब दोनों हम आज मिलके। I love you Sonia, 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 I love you Sonia, 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 Sonia। हसीना तेरे बिना क्या यहाँ पे जीना, तू मेरी धड़कन में रहती सिंड्रेला बस में आ जा। Hey, हमेशा यही करता रहेगा, चल हट। पागल कका। हे गौरी पुत्र गणेश तितर मुर्गन परमेश्वरा, ईश्वरा मेरी सिर्फ रक्षा करना और मुझे सिर्फ अकेला बड़ा आदमी बना देना। या तो ये चटाई पर पड़ा रहता है या बड़ा भक्त बन जाता है। हे आदवा, आरती ले ले यार। ये लो आरती। अभी तक मैंने नहाया नहीं है यार। हे जा, आरती ले ले यार। ए, अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है, चल जा यहाँ से। हाँ 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 हाँ, इसने तो ब्रश कर लिया। इसने ट्रिम कर लिया है। अरे रे, ये तो तैयार हो गया है। हे दांत मत दिखा, जा। अरे रे, ये फिर से चटाई के साथ आ गया। खेल शुरू कर दिया क्या इन लोगों ने? अरे कमीने लोग, इसके लिए इतना बड़ा बिल्डअप क्या? ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। भाई शराब लाने के लिए बोलते हैं ना। ए तू जाकर लेकर आना। नहीं यार, आते समय ये एक क्वार्टर रास्ते में ही पी लेगा, अपना जीवा है वो कभी नहीं पीता। एक काम करो, उसे भेज दो। ए हम लोग बोलेंगे तो सुनेगा क्या? उसका गॉडफादर कार्तिक बोलेगा तभी वो सुनेगा। ए उसे शराब लाने को बोलना यार। हे जीवा, सबका मन कर रहा है यार, जाकर शराब लेकर आना। ठीक है, पैसे दे। ये ले। जोकर बाहर करना बे। अगर उस दिन जैसा बोला ना कि पैसा खो गया तब बताऊंगा, संभल कर जाना। एक तू ही है जो इसे संभाल सकता है, वरना ये हमारे टाइप का तो नहीं है। क्या चाहिए? जरा पांच बियर दीजिए। अच्छा ठीक है, पांच बियर। जल्दी करिए, देरी हो रही है। ये लो भाई, पकड़ो। ठीक है, बाकी पैसे दीजिए। यहाँ खड़ा रहना भी कितना अजीब है। ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूटे। सुनिए सुनिए, हमको चोट आई है। सॉरी, बहुत खून निकल रहा है। चलिए उठिए, संभल के। आप ऐसे खड़े क्यों हो गए? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए ना। सॉरी, चलिए प्लीज। क्या है ये सब? हाँ, एक तो आपकी वजह से मेरी बियर की बोतल टूट गई, और ऊपर से पूछ रही हो चोट लगी या नहीं। अब इसका क्या करेंगे? सारी बियर की बोतलें टूट गई, साइकिल का मडगार्ड भी टूट गया है। अगर बियर के बिना गया तो दोस्त बहुत गाली देंगे। अब मैं क्या करूं? बियर के बिना नहीं जा सकता। आपको इतनी चोट आई है, इस बात का मुझे टेंशन है। और आपको टेंशन हो रहा है कि आपकी शराब की बोतलें टूट गई, तो आप शराब कहां से पियेंगे? ज्यादा शराब पियेंगे ना तो ऊपर चले जाएंगे। हेलो, ये सब मुझे पीने की आदत नहीं है, ये मेरे दोस्तों के लिए है। अगर माफी मांगना ही है ना, तो जो बियर की बोतलें तोड़ी है उसके पैसे दे दो। ओके ओके, चिल्लाइए मत।
जरा वेट करिए। कहाँ रख दिया मैंने? अभी शॉपिंग करके आई हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ कार्ड है। यहाँ आसपास कोई एटीएम है क्या? देखिए वो सब मुझे नहीं पता, मुझे पैसे ही चाहिए और मुझे एटीएम से पैसे निकालना नहीं आता। ओके ओके, यही पास में मेरा घर है, मेरे साथ चलिए, मैं वहीं पैसे दे दूंगी, ठीक है? ये सब क्या बोल रही है, पहले बोतलें तोड़ दी अब कहती है साथ में आके अब पैसे। चलिए आइए ना, प्लीज चलिए आइए, गाड़ी में बैठिए, संभल के बैठना, केयरफुल। अरे मेरी साइकिल पड़ी है नीचे यहाँ पर। क्या हुआ? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, उसे छोड़ दीजिए, उसके पैसे तुम्हें मैं दे दूंगी, तुम्हें ही देना होंगे। ओके आप आइए, दे दूंगी ना, दे दूंगी पक्का, गाड़ी में बैठिए जल्दी। सबके पैसे दे दूंगी ना, पैसे दे दूंगी, गाड़ी में बैठो। संभल कर आना। ओके ओके, आप सोफे पे बैठिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? सुनिए, इतने बड़े घर में आप अकेले रहती हैं क्या? ऐसे बेकार के सवाल मत करिए, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए। ठीक है, मैं जाकर पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? जब घर इतना बड़ा है तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। हेलो हेलो, ये क्या है? सोचा था पैसे लेकर आएंगे, लेकिन आप तो कोई बॉक्स लेकर आई हैं। ये कोई बॉक्स नहीं है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है। कोई भी अच्छा इंसान आपको इस तरह देखेगा तो ऐसी हालत में आपको घर नहीं जाने देगा। आपको बहुत चोट आई है, अपनी शर्ट उतारिए। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, ये दवा लगा लीजिए, आपकी चोट ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। अरे Oh।
जाना चाहिए। क्या हुआ, अचानक दूर क्यों चली गई? अब आगे कुछ भी मत बोलिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। मेरे घर वालों का आने का टाइम हो गया है, मेहरबानी करके चले जाइए प्लीज। क्या पहले अपनी शर्ट पहनिए, जल्दी जल्दी करिए, जाइए। भी क्यों जाने के लिए बोल रही है? जाइए प्लीज। ओह गॉड, अरे भाई जरा उसको देखना, अगर वो ऐसे ही रहा तो एक दिन देखना वो पागल ही हो जाएगा। कल किसी को देख कर आया था ना, वो तब से मुर्गे की तरह घूम रहा है, पता नहीं क्या हो गया। किसे देख कर आया था? क्या पता। कार के सामने आओगे तो नहीं मरोगे, पीछे लॉरी है वहां जाके ट्राई करो ना। शिट। देख दोस्त, अगर तू ऐसा ही रहा तो एक दिन जरूर तू पागल हो जाएगा, तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। चल उस लड़की के घर में देख कर आते हैं, हम सब है ना, तू चिंता क्यों कर रहे, चल चल कर देखते हैं। ए रुक यहीं पर। उसका घर यही है? मुझे सिर्फ यही जगह याद है, काले कलर का बड़ा सा गेट। किसी दूसरे का घर मत दिखा देना। भाई आइसक्रीम देना, यही घर है ना, ठीक से देख के बता। जगह तो यही है, काले कलर का गेट भी है, इसी तरफ से आई थी। ए, ब्लैक कलर का गेट बोलकर किसी और के घर में घुसा रहा है, मार खिलाएगा क्या? चल इस बेकार आदमी से पूछते हैं। सर। भाई भाई। सर कौन हो भाई, किससे मिलना है? सर इस घर में 3 दिन पहले एक लड़की काले कलर की बड़ी सी कार में, हाँ हाँ, मुझे उनसे मिलना है सर। नहीं मिल सकते। हाँ भाई, क्योंकि हाँ। ये गेस्ट हाउस है, ऑनलाइन बुक करते हैं, यहाँ रहते हैं चले जाते हैं। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर उसे मैं जानता हूँ सर, मैं इस घर के अंदर भी गया हूँ। उनको कैसे जानते हो? सर मुझे उनसे मिलना है सर। ए चलो जाओ 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 यहाँ से। ए तू अभी मुझे बेकार इंसान कह रहा था ना, मैं क्या नशे में यहाँ सो रहा हूँ, चला जा चुपचाप यहाँ से, वरना जा तेरी आँख रहेगी चश्मा नहीं रहेगा। अच्छी तरह से जानता हूँ सर, निकल वरना मारूंगा। और बताओ क्या यार, आज तुम पूरा दिन मुझसे मिलने नहीं आए? हे इसीलिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आया हो ना, क्या कह रही हो। ठीक है कल बीच पर चलें। ऐसा क्या स्पेशल है? देखो कुछ स्पेशल नहीं। सर सर जरा बाहर वेट करेंगे, मैं सफाई कर दूं। ओके ऐसे ही रहना, तुम जाकर आओ मैं वेट करती हूँ। अरे अरे कौन है ये, कितनी सुंदर दिख रही है। अरे भूतनी शक मत कर, वो मेरी सिस्टर जैसी है। ओके ओके ठीक है तुम जा कर आओ। जब वो तुम्हारे रूम को क्लीन करेगी तो मैं देखूंगी। ताकि मुझे भी फ्यूचर में काम आए। ओके पर
कमीने कहेंगे? विश्वास नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है पूर्णी, वो नौकरानी हमारे घर पर बहुत दिनों से काम कर रही है। कुछ गलती हुई हो तो मुझसे बोलती थी ना। पहली बार तो वो जब तुमसे मिला तो तुम पर हाथ उठाया उसने। उसी गुस्से में ये सब कह रही हो क्या तुम? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? पूर्णी, पहले से तुम्हारे और उसके बीच जमता नहीं, और वो जो भी करे तुम्हें गलत लगता है। उसे लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका मतलब मैंने अपनी आँखों से जो भी देखा वो झूठ है क्या? ओके, देखो कार्तिक, तुम अभी फैसला करो, मैं चाहिए या वो चाहिए, ये सोच लो तुम। इस तरह का तुम्हारा कोई दोस्त हो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। ठीक है छोड़ो, अपने बीच क्यों लड़ाई करें, मुझे उससे दोस्ती नहीं रखना है, इतना ही ना। मेरी बात सुनो, इतने दिन वो मेरे साथ रहा और सिर्फ दो दिन का कॉलेज, उसके बाद मैं कौन और वो कौन, बस हो गया। जैसे ही मैं गाँव जाऊँगा मेरे पापा को मैं अपने लव के बारे में बता दूंगा, बस ना। हे तुम अब भी चुपचाप हो, इतने खुशी की बात बता रहा हूँ, मैडम अब भी चुपचाप है, मूड ऑफ करके रखा है। चलो हंस दो, अब हंस दो। ए, ए, पूर्णी। इसकी गलती क्या है, मार क्यों रहे हो? सड़क पर जाने वाली लड़की के ऊपर ये हाथ डाल रहा है और तुम बोल रहे हो क्या हुआ? चप्पल टूट गई थी तो मैं उसे देख रही थी, उसका फायदा उठाकर ये मेरी कमर पे हाथ रख रहा था, बदतमीज। मुझे बचा लो कार्तिक। कुछ दिनों से ये मानसिक रूप से सही नहीं है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसके जैसे लड़के के साथ दोस्ती रखोगे ना तो एक दिन तेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी हाथ डालेगा ये, उस दिन तेरे को समझ में आएगा। चलो भाई चलो, अब चलो तुम, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पागल है, क्या कर रहा है यार तुम? मैंने कहा था ना ये एक नंबर का लोफर है, इसीलिए मैं पहले ही बोली थी इस पर भरोसा मत करो। अब देखो कैसे सड़क पे तमाशा करके रखा है। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा नहीं है यार, अब सबके सामने बदनाम हो गया ना तुम। मेरे भाई, जब मैं घर छोड़कर आए तो मुझे सच में बहुत तकलीफ हुई, पर अब इस घर को और तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ तो बहुत दुख हो रहा है यार। अरे यार तू किस जमाने में जी रहा है, अभी तो सेलफोन है, हम जब चाहें तब बात कर सकते हैं, लेकिन उधारी वालों के चक्कर में फोन स्विच ऑफ मत करना, ठीक है? ये तू क्या बोल रहा है यार, तेरा समय अच्छा है ना तो बोले बोले। ए, अभी कहाँ जाएगा यार? वही तो। हाँ यार, हम तो उसे भूल ही गए थे। इसे अकेला छोड़कर जाने से अच्छा है हम इसे जान से ही मारते हैं। उस दिन ट्रेन के आगे कूद कर ये मरने जा रहा था, पता है तुम सबको? ए, हाँ? मैं उसका ख्याल अच्छे से रख लूंगा, उसे अपने गांव लेकर जाऊंगा। तब ठीक है। ए, कार्तिक, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं अकेला छोड़कर जाओ। क्यों रे? वो कहाँ है, तुझे ढूंढना है क्या? तू पागल हो गया क्या? उसे भूल जा, इसीलिए गांव लेकर जा रहा हूँ। चुपचाप चल मेरे साथ, तेरा बैग पैक कर दिया है मैंने। नहीं कार्तिक, बात ये है कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलने की तैयारी कर, चल। दोस्त, इस जगह को देख रहा है, कितनी खूबसूरत है ना? मुझे ये जगह बहुत पसंद आई यार। बहुत खूबसूरत है, अगर कहूँ कि ये सुसाइड पॉइंट है तो भरोसा करेगा? मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने पापा को बोलकर यहाँ गेस्ट हाउस बनवाया। मुझे ये जगह सच में पसंद आई यार। सब कुछ भूलने का मन कर रहा है ना? इतने में ही शौक हो गया तो कैसे चलेगा, घर आकर देख पूरी दुनिया भूल जाएगा। ठीक है यार, बहुत देर से बातें कर रहे हैं, पापा वेट कर रहे होंगे, चल जाते हैं। आजा। ओके।
तू ड्राइंग कर रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं यार। कितना भी छुपा ले, मैं जानता हूँ उस लड़की का ही तस्वीर बना रहा है, उसे भूलने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। चल ठीक है, खाने चलते हैं। जीवा, खाने की थाली के साथ इस तरह नहीं खेलते। खाना तुम्हारे सामने आ चुका है, थाली नीचे रखो। क्यों जीवा, तुम्हें शौक लगा क्या? ये मेरी बीवी है, बट मेरी सेकंड वाइफ। एक बात तुम्हें पता है क्या जीवा, अगर इस दुनिया में किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो लोग उसे गरीब कहते हैं, लेकिन अगर उसके पास कोई रिश्ता ना हो तो उसे क्या कहते हैं पता है? अनाथ कहते हैं। ये वही कार्तिक है ना अंकल, ये तुम बोलोगे। अभी वो है, बाद में वो चला जाएगा, शादी करके चला जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए मेरे साथ में रह सके, इसीलिए मैंने शादी की। अच्छा तुम्हें क्यों शौक लगा? आओ खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। हे, क्या कर रहा है बे तू? हे, पागलों की तरह क्यों कर रहा है? अब सॉरी भाई। ए, मैं गांव जा रहा हूं। हट जा। ए, रुक जा। उसे भूलने के लिए यहाँ पर लेकर आया, वापस वहीं जा रहा है? हर रोड पर ढूंढेगा क्या? इसीलिए जा रहा है ना तू? पापा इसे समझाइए ना जरा, वहां जाकर पागल हो जाएगा ये। जीवा, यहाँ आते ही तुरंत तुम वापस जा रहे हो, क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम एक हफ्ता रुको, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो चले जाना। मेरी बात तो सुनो संध्या। हाँ? तुम्हें उसे बोलो ना। जब सब लोग कह रहे हैं तो थोड़े दिन रुक के जाइए ना प्लीज। hey, चल अंदर चल। ए, मैं तुझे यहाँ रहने को बोल रहा हूँ ना, इसमें मेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि मेरी शादी करने की उम्र में मेरा बाप शादी करके आया है। देखा ना तू, वो मुझसे भी 2 साल छोटी है यार। संध्या, उससे शादी की। तू यहाँ पर है इसीलिए मैं भी रुक रहा हूँ। पैसे लेकर सोने वाली और इसमें क्या अंतर है? छोड़ना, उन्होंने किन हालातों में शादी की है पता नहीं, मैं यही रहूंगा, तू चिंता मत कर। कार्तिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कार्तिक, उठ जाओ, उठ जाओ कार्तिक, चलो वॉकिंग जाओ, पर जाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, चलो उठ जाओ, उठ जाओ बेटे, 6 बज गए, सोने दो, उठ जाओ, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बेटा। जीवा चलो उठ जाओ, चलो उठो, उठ जाओ बेटा, बोला ना 5 मिनट, सोते मत रहो, चलो उठ जाओ, जाओ वॉकिंग। ठीक है ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए, आओ बेटा। पापा सुबह सुबह आकर डिस्टर्ब करते हो, चलो आ जाओ। पापा सोने भी नहीं देते यार।
क्या हुआ संध्या? वो दोनों डेली अच्छी सेहत के लिए 5 किलोमीटर वॉक करने जाते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? इस वक्त इस घर में सिर्फ तुम और मैं हूँ। देखो, मुझे लगा था तुम सब कुछ भूल गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेहरबानी करके चले जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं कर पा रहा हूँ संध्या, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। नो। मेरी जिंदगी में आई हुई पहली और आखिरी लड़की तुम ही हो संध्या। संध्या तुम मेरे साथ आ जाओ संध्या, हम कहीं और जाकर खुशी खुशी रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, ये समझ लो। मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। मैं यहाँ भी रानी की तरह ही रहती हूँ, मेरे पास मत आना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम गलत कर रहे हो। एक बार मेरे से अनजाने में गलती हुई थी, उसके लिए मैंने भगवान से कई बार माफी मांग ली है, पता है तुम्हें? ये गलत है, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। इसमें गलत क्या है संध्या? तुम अपने आप को धोखा दे रही हो, जिसे बेटी की तरह मानना चाहिए उस बुड्ढे ने उसे बीवी बनाकर रखा है, ये गलत है। इन लड़कियों को समझ नहीं पा रहा हूँ संध्या। एक दिन के लिए भी साड़ी पहननी होती है तो दुकान दुकान घूमकर पसंद करती है, लेकिन पूरी जिंदगी जिसके साथ जीनी है उसे ऐसे ही चूज कर लेती है। तुमने गलत इंसान को चूज किया है संध्या। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम मिलकर। पास मत आना प्लीज, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसा मत करो प्लीज। आ जाओ ना, ऐसा मत करो, मैं मेरे साथ संध्या, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? देखो प्लीज संध्या, पास मत आना, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसा मत करो प्लीज, मत करो। नो नो प्लीज, जाओ यहाँ से, मेहरबानी करके चले जाओ, किसी ने देख लिया तो बुरा हो जाएगा, जाओ जाओ। संध्या मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। यहाँ से प्लीज प्लीज चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो बुरा होगा, चले जाओ। तू अभी तक सोया क्या बे? हे, तेरी बॉडी तो गर्म है, बुखार है क्या? नहीं, ऐसे ही गर्म हो गया हूँ। ऐसे कैसे गर्म हो सकता है, सपने में कोई आई थी क्या? हाँ नहीं यार, वो सामने ही आ गई थी। हे, पागलों की तरह बातें मत कर, समझा ना, जाकर फ्रेश हो जा, सामने आई थी, हट जा बे।
सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पापा आने वाले हैं ना, इसलिए। संध्या। हाँ? ऐसे ही बोलकर चली जाओगी, यहाँ आओ। तुम्हें घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, इतना ही ना? तो वो तुम मुझसे क्यों मांग रही हो? पहले से ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं, जितने पैसे चाहिए जाओ एटीएम से निकाल लो। ये क्या पूछ रहे हैं? आपको तो सब पता है, आप हमेशा से पैसे देते आए हैं, ये नई बात थोड़ी ना है। तो आज भी पैसे आप ही लाके दीजिए ना प्लीज। ये सारे काम तुम आखिर कब सीखोगी? ठीक है चलो, मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ। एटीएम कार्ड ले लिया है ना? हाँ ले लिया है। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। अंकल। हाँ? कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा। मैं भी आता हूँ अंकल, यहाँ बोर हो रहा हूँ। मैं एटीएम तक जा रहा हूँ बेटा, चलो तुम भी। अंकल। हाँ? ये कार चलाने की मेरी बड़ी इच्छा है, इफ यू डोंट माइंड, मैं आज चलाऊँ क्या? तुम्हारी कार चलाने की इच्छा है, ठीक है चलाओ, मैं आराम से बैठूंगा। बट रिमेम्बर, आराम से चलाना, गाड़ी चलाने में नर्वस मत होना, समझ गए? ओके। ये लो चाबी। कार तो बिल्कुल नई जैसी रखी है आपने अंकल। मैं इस कार को ज्यादा नहीं चलाता हूं जीवा। अपना फोन दो। हुँ? कार में वेट करो। ठीक है। दरवाजा खुल नहीं रहा है। मैंने जानबूझकर गाड़ी ऐसी जगह पार्क की है ताकि तुम मेरे साथ रह सको। मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। अगर उन्होंने देख लिया ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे ना? ए, वो बुड्ढा वहाँ से देखेगा भी तो उसे कुछ नहीं दिखेगा, मुझे पता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, प्लीज। नो प्लीज, छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ जीवा? नहीं अंकल, मुझे इस तरह की गाड़ी चलाने की आदत नहीं, इसलिए रिमोट दबा दिया, सॉरी अंकल। इसीलिए इस तरह की नई कार चलाने की इच्छा नहीं रखी जाती है। नीचे उतरो तुम, चलो उतरो उतरो। पापा, आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं बेटी, मैं नहीं करूंगा तो तुमको करना पड़ेगा, बस मैं तो तुम्हारी थोड़ी मदद कर रहा हूँ। ये लीजिए पापा, आपने जो पैसे मांगे थे। काफी है ना पापा? हाँ बेटा बहुत है ये। हो जाएगा। अच्छा पापा, उषा, वैजयंती, रेणुका सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ अच्छी है बेटी। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी छोटी बहन को क्या कमी हो सकती है? एक बाप होने के नाते जो मुझे करना था वो सब तुम कर रही हो, लेकिन
तुम्हारी जिंदगी को लेकर मुझे बहुत डर लगा रहता है। पापा आप रोइए मत, अगर किसी ने देख लिया तो। ये तुम्हारे पापा है क्या? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मुझे एक कप कॉफी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। मिलेगी क्या? हॉल में वेट कीजिए, लेकर आती हूँ। ये लड़का कौन है बेटी? कार्तिक का फ्रेंड है पापा। इसकी नजर मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है बेटी, तुम इससे जरा संभल कर रहना। पापा आप बिना वजह टेंशन मत लीजिए, अब ये सिर्फ एक हफ्ते यहाँ रहने वाला है पापा। बेटी मुझे चलोगा, मैंने बोल दिया, ठीक है ना? अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी बहन अकेली है, तुम संभल कर रहना बेटी। ओ, पापा आपने बोला था बाहर जा रहे हो, यहाँ बैठकर मैच देख रहे हो। रुक जा, इंटरेस्टिंग मैच देखने के टाइम पर तू रिमेन कर रहा है, लास्ट दो ओवर बाकी है। यस। नौ बॉल पर सिक्सर मार दिया देखो, इसीलिए मैंने कहा था डिस्टर्ब मत कर। संध्या। ओके ओके ओके। संध्या जरा चाय लेकर आना। हाँ बना रही हूँ। अंकल मैं चाय लेकर आता। हाँ जाओ जाओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस। इज्जत से हाथ हटा लो, मार डालूंगी तुम्हें। हॉल में सब लोग बैठे हैं, अगर देख लिया ना तुझे छोड़ेंगे नहीं। मार डालने दो संध्या, तुम्हारे लिए तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। सच कह रही हूँ, मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ संध्या, जब रिश्ते के बारे में चार लोगों को पता चलेगा तो वो खुद तुम्हें इस घर से निकाल देंगे और फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। ए, क्या हुआ यार? हाथ पर दूध गिर गया यार। दूध गिर गया क्या बोल रहा है? बोल जल गया। ये क्यों चिल्ला रहा है? अरे उसको यहाँ आने के लिए बोलो। ओ, 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 ओ। ए कार्तिक। क्या हुआ पापा? मेरे टैबलेट्स नीचे रखे हुए हैं, जरा ऊपर लेकर आना। ठीक है पापा। ए जीवा हुँ? टेबल पे टैबलेट्स पड़े होंगे, जरा पापा को दे देना प्लीज। ओके यार। ये क्या है? ये तो नींद की गोली है, ये खाकर बुढ़ा रोज होता है क्या? ये क्या जीवा, तुम्हारे हाथों भेज दिया उसने? ये किस चीज की टैबलेट है अंकल? हाँ नींद की गोलियां हैं जीवा, उम्र के साथ वाली बीमारी, बीपी शुगर सब कुछ है मुझे, रात को नींद ही नहीं आती है। ये खाकर सोता हूं तो रूम में तूफान भी आए तो पता नहीं चलता, इसीलिए। ठीक है संध्या पानी लेकर आना। हाँ, अभी लाती हूं। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ खाना खा लो। हाँ ओके अंकल। उठिए ना, उठिए ना। हाँ
संध्या, क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है? सॉरी, मैं बुरा सपना देख रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। I'm so sorry जी। ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ, मंदिर में भगवान के सामने विभूति रखी हुई है, माथे पर उसका तिलक लगा लो। क्या हुआ? गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। तेरी नई शादी हुई है ना, तो अपनी बीबी को बोल दबाने के लिए। अरे वो दबाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम चुप रहो यार, ये दर्द उसके लात मारने की वजह से हो रहा है। ऐसा क्या किया तूने कि उसने तुझे लात मारी? मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं तो चुपचाप स्लीपिंग टैबलेट्स लेकर सो रहा था। इसीलिए तो उसने लात मारी तुझे। लात नहीं मारेगी तो और क्या करेगी वो? तुम ऐसा करोगे तो क्या तुम्हारी इज्जत करेगी? मैं तुझे एक दवा दूंगा, तू उसे खाकर देख।
तुम आसमान में पंछी की तरह उड़ोगे। ऐसी कौन सी दवा है यार? यही तो सीक्रेट है। संध्या, आपने खाने में क्या खाया था? नथिंग। कोई जड़ी बूटी देता हूँ बोलकर पता नहीं कैसी दवा दे दी उस इडियट ने। माय गॉड, यू डोंट वरी, यू स्लीप। पापा कहाँ लेकर जा रहे हो? इस उम्र में दूसरी शादी करके बीवी के साथ मुझे भी पूरा शहर घुमाओगे क्या? ए, इस स्टेट में लेबर्स की प्रॉब्लम है, मेरे बाद तुम ही तो सब संभालने वाले हो ना, यही सोचकर तुम्हें मैं सब कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। मैंने शादी करके गलती कर दी क्या? मैं अकेला आपके साथ नहीं आऊंगा, जीवा भी चलेगा। ठीक है, उसको भी बुला लो अपने साथ। हे जीवा, आ जा। बस आ गया। अंकल, हमेशा इस कार को मैं ही चलाना चाहता हूँ, तो आज भी चलाने दीजिए। ठीक है, चलाओ, मुझे भी आराम मिलेगा। सुनिए जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर में रह के रेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है? स्टेट जाने के लिए तुम्हारा बेटा चिल्ला रहा है और तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तुम घर पर रहकर आराम करो। संध्या, तुम्हें घर में अकेले रहने में डर लगता है बोलती हो ना, जीवा को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। जीवा, तेरे पापा इनके साथ रुकने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? जा उसके साथ रह, मैं आता हूँ। जीवा, इसके साथ रहना। सुनिए, अब मुझे अच्छा लग रहा है, सर में दर्द भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं आपके साथ आ सकती हूँ। अभी तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा था, अभी बोल रही हो दर्द ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनो, एक टैबलेट खाकर घर पर ही आराम करो, जीवा तुम्हारे साथ है। Thank you.
ये क्या संध्या? मैं अंदर ना जाऊं इसलिए तुमने अंदर से ही कड़ी लगा दी। बोलो, इसीलिए मैं होशियारी से बालकनी के रास्ते से आ गया। ए, मेरा तो आज फायदा ही हो गया। मेरा हाथ छोड़ो। थोड़ी देर की खुशी के लिए मैं पूरी जिंदगी गिल्टी के साथ नहीं जी सकती। मैंने कितनी गरीबी देखी है, कितना दुख झेला है, तुम्हें पता है क्या? दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन आज मैं यहाँ रानी की तरह रहती हूँ और मेरा परिवार भी खुश है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। थोड़ी देर के लिए मैं इमोशनल हो गई थी, पर क्या उस दिन की गलती के लिए हमेशा टॉर्चर करते रहोगे तुम? नहीं, प्लीज यहाँ से चले जाओ तुम, बहुत हो गया, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे पीछे आया था क्या? चुपचाप रहने वाले को उकसाकर और अब मुझे जाने के लिए कह रही हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ दो प्लीज, छोड़ो, नो नो छोड़ दो मुझे। सुनो, लगता है वो लोग आ गए, हटो हटो, छोड़ो मुझे, लगता है वो लोग आ गए, छोड़ो। आप कौन है? मैं पूर्णिमा हूँ, कार्तिक की लवर। या अंदर आओ ना। या श्योर, कार्तिक के पापा ने बताया था। कार्तिक कहाँ है? वो दोनों बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। आप अभी अकेली हो क्या? नहीं, कार्तिक का फ्रेंड जीवा मेरे साथ है, ऊपर है। मेरी इतना समझाने के बाद भी इस कमीने के साथ अभी तक दोस्ती रखा है? आने दो से, फिर मैं उसे बताऊंगी। कार्तिक, मैं लेकर जाता हूं। कार्तिक, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक चीटिंग कैरेक्टर हो। हे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो जान? तुम्हारा दोस्त जीवा अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, झूठ मुझे पसंद नहीं। कहाँ है? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, कार्तिक तुम कहाँ हो? तुम्हारी यादों में ही हूँ, जानती हो ना। मैं अभी कहाँ हूँ ये जानकर तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। ऐसा क्या, कहाँ हो तुम? अरे मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ। जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आ जाओ कार्तिक। कार्तिक, हे, रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ तुम्हें कार्तिक? इस तरह डर क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ। सुनो ना, ये रूम तो देखो, तुम्हारे हिसाब से डेकोरेट कराया हूँ। ओह, ये बताओ तुम बिना बताए कैसे आ गई? कार्तिक, ये भी ना यार, कब आना चाहिए इसे पता नहीं है। कॉफी एकदम गर्म है, और कुछ चाहिए क्या? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जैसा सोच रही हो जीवा वैसा नहीं है। एक समय वो किसी लड़की को देखता भी नहीं था। उसकी लाइफ में अभी तक कोई भी लड़की नहीं आई है। उस दिन भी ड्रिंक्स लेने जब बाहर भेजा तो अचानक एक्सीडेंट में एक लड़की से मिला वो।
तब से वो उसे अकेला छोड़ता तो वो पागल हो जाता। अब फ्रेंडशिप के लिए इतना तो करता ना मैं। ठीक है, भरोसा करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे इतना बोलने की वजह से मैं तुम पर इतना विश्वास करती हूँ। दोस्ती का मतलब क्या है वो मुझे भी पता है। अब हम लोग उसके मन के अंदर जो जख्म है उसे भरेंगे। ओके उधर देखा ना, चाहे कितना भी लड़ ले लेकिन खुशी से है, वजह उनकी जोड़ी है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हारा मन नहीं करता। क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो पता नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरे साथ आ जाओ, हम लोग इससे भी ज्यादा खुश रहेंगे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, प्लीज मेरे साथ चलो। हे जीवा, जल्दी आना। आ रहा हूँ यार। मेरी बात सुनो बहू, तुमने मेरा एक काम अच्छा कर दिया। अब तुम लोग शादी कब करोगे ये बोलो। अंकल हाँ। मुझे जर्नलिज्म में कुछ करके दिखाने की बहुत ख्वाहिश है अंकल। हाँ तो कर लो। अभी तो पढ़ाई पूरी ही हुई हाँ। है मेरी, पहले कुछ करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपके बेटे के साथ शादी करूंगी। पापा सिर्फ प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए एक सुशील और संस्कारी लड़की ढूंढो। छोड़ना मत उसे, मंदिर ले जाना, मंदिर से मत पहन लेना। अरे छोड़ो यार। मम्मी। सॉरी आंटी, मुझे लगा कि आप मेरी मम्मी हैं। अरे मेरी बच्ची, मैं इधर हूँ। सॉरी जी, हम दोनों ने एक जैसी ही साड़ी पहनी है ना, इसीलिए से गलतफहमी हो गई। चलती हूँ। संध्या, तुम्हारी आंखों में मैंने तड़प देखी है। इस बुड्ढे के साथ रहोगी तो दूसरों के बच्चों से प्यार करोगी, खुद के बच्चे नहीं चाहिए। वैसे वो मैं कर सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करोगे? क्यों, तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरे मुँह पे थू थू करे? हाँ, अगर ऐसा है तो जिंदगी भर दूसरों के बच्चों से प्यार करो तुम। अंकल हाँ? क्या आप यहाँ हो अंकल? क्यों, मैं आपको ढूंढ रही थी। आपके लिए मैं क्या लेके आई हूँ आपको पता है क्या? क्या है बेटी? अंकल ये फेशियल है, अगर आप इसे लगा लोगे ना हाँ? तो आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी। ये मुझे लगा कर क्या होगा बेटी, इसे लगाओ। वो सब मुझे पता नहीं, मैं आप दोनों के लिए रेडी करके लाई हूँ। लेट जाओ, लेट जाओ प्लीज। नहीं मुझे नहीं लगाना, चाहिए तो इन्हें लगा दो। हाँ लगा दो इन्हें। मुझे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, फ्री है। ओके चुपचाप लेट जाओ प्लीज अंकल। क्या बेटी ये क्या जिद है। ठीक है ठीक है, चलो लेट जाओ। मुझे ये सब क्यों लगा रही हो बेटी? क्लोज योर माउथ अंकल। ये फेशियल लगाने के बाद आप कितना यंग बन जाओगे आपको पता है? अंकल आंखों में जो डार्क सर्कल है ना वो सब चला जाएगा। ये फेस की झुर्रियां भी चली जाएंगी। फिर क्या है, आप एक और शादी कर सकते हो। शरारत बंद करो। रिलैक्स हो जाओ अंकल। अंकल हाँ, क्लोज योर आईज। ओके
ओके ओके सेट डोंट ओपन योर आईज ओके अंकल आधे घंटे तक खेलने का नहीं ऐसे ही रहना है आप दोनों को अगर आँख खोलोगे तो सब खत्म ओके 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 हे कार्तिक बाहर जाएंगे तो ये डांटेंगे ना अभी देखो आधे घंटे तक ये लोग आँख नहीं खोल पाएंगे अब मुझे बाहर ले चलो ना ओके डन चलो चलते हैं ओके ओके ये जीवा के बारे में सोचता हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है क्यों इसके परिवार में या रिश्तेदार में कोई नहीं है फिर भी ये कितना व्यवहारिक और ईमानदार लड़का है फिर भी किसी लड़की ने इसे प्यार में धोखा देकर इसको छोड़ दिया ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? आजकल के लड़के सुबह एक लड़की शाम को एक लड़की घुमाते रहते हैं और ये लड़का है कि कोई धोखा देकर चली गई उसके बारे में सोचते रहता है ऐसे अच्छे लड़के को धोखा देने वाली लड़की अगर मुझे मिली ना तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं उसे गोली मार दूंगा मैं संध्या बेचारा कहां कहां से भटक कर आखिर में अपने पास आया है उसकी जिंदगी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा क्यों संध्या मैं बात किए जा रहा हूं तुम कुछ बोल नहीं रही हो अंकल हाँ जीवा आओ जीवा जूस ले लीजिए अंकल जीवा अभी मैं तुम्हारे बारे में ही संध्या से बात कर रहा था क्या करूं जीवा तुम जैसे अच्छे लड़के को भगवान भी सताता है जूस उसको भी दे दो संध्या जूस पी लो टेंशन क्यों ले रही हो नाइटी है क्या मुझे लगा था ये टॉवल है रास्कल संध्या अपने घर में जो पागल है उसने क्या किया पता है तुम्हें क्या किया उसने आपकी नाइटी को लेकर चेहरा साफ कर रहा था अगर मैं होते ना तो उसके चेहरे पर आग लगाकर चला देती टेंशन क्यों ले रही हो वो हॉस्टल में पला बड़ा है उसे टॉवल समझ लिया होगा अरे तुम सबको उसके बारे में कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा छे हाय साड़ी कहा लिया आपने बहुत अच्छी है तुम्हें पसंद है क्या तो रख लो इसे वाओ थैंक्स सासुमा ए सासुमा मुझे मत बोलना मेरे ससुर की वाइफ हो आप तो फिर क्या बुलाऊं आपको मौन डालूंगी तुम्हें संध्या की साड़ी वाओ आज ये पहन लेती हूँ मैं ओके
संध्या, 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 बाथरूम में हूँ, वेट करो। ओह, बाथरूम में हो क्या? Hey, you scoundrel! Sorry. हिम्मत कैसे हुई? Sorry, पुनी, sorry. इतनी हिम्मत है तुम्हें? हाँ? Sorry. संध्या होगी तो क्या? हाथ लगाओगे? हाथ लगाओ क्या? हाँ? Sorry, please cool down. Something wrong. Please cool down. तुम दोनों में कुछ तो चल रहा है. सही से बताओ मुझे. तुम दोनों में कुछ गलत हो रहा है. अब एक मिनट भी तुम लोगों को याद रहने नहीं दूंगी. मैं नहीं छोड़ूंगी. मैं भी कार्तिक के पास जाकर सब कुछ बताने वाली हूँ. चलो हटो. कार्तिक, रुक जाओ. कार्तिक, कहाँ हो तुम? पुण्य, रुक जाओ. कार्तिक, पुण्य, कार्तिक, रुक जाओ. पुण्य, कार्तिक, पुण्य, नहीं पुण्य, प्लीज पुण्य, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ. प्लीज पुण्य, ऐसा मत करो. प्लीज पुण्य, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ. प्लीज कुछ मत बोला. प्लीज पुण्य, प्लीज मेरी बात सुनो. प्लीज कुछ मत बोला पुण्य. प्लीज मेरी बात सुनो. क्या हुआ तुम्हें पुण्य? अरे कोई है पुण्य? अरे पुण्य, अरे कोई है? आकर देखो पुण्य को क्या हो गया. कार्तिक, पुण्य, पुण्य, कार्तिक, पुण्य को देखो क्या हो गया. कार्तिक, पुण्य, क्या हुआ? इसे चोट लगी है यार. पुण्य, मुझसे बात करो. पुण्य, पुण्य, मुझसे बात करो. पुण्य, 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 अपनी आंखें खोल लो. मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? पुण्य, जीवा देखना, ये बात नहीं कर रही है मुझसे. क्या हो गया इसे? बोलना इसे. पुण्य को पता. पुण्य, पुण्य, देखना, ये बात नहीं कर रही है. ए पुण्य, मैं बात करूँ ना. पुण्य, पुण्य, बात करो. कैसे हो गया कार्तिक? कार्तिक, मेरे दोस्त, कार्तिक कब तक ऐसा रहेगा? खा लेना कुछ. नहीं यार. यार हमें भी दुख है. जब मैं अपनी लव फीलिंग में था तो मुझे ठीक करने के लिए तू मुझे यहां लेकर आया था यार. इसी तरह गांव चल के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके तुझे अच्छा लगेगा यार. थोड़ा चेंज मिलेगा तुझे. यहां मैं सब कुछ देख लूंगा. प्लीज यार, मेरी बात सुन. ये ले, खाना खा. मुझे नहीं चाहिए यार. अरे खा यार, मैं खिलाता हूँ. नहीं चाहिए मुझे. प्लीज रहने दे. प्लीज मेरी बात सुन. तूने मेरे लिए किया था, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ. ले खा ले. हेलो,
केकेपी ट्रेवल्स, मैं कोडिकानल से बात कर रहा हूँ। मुझे आज चेन्नई जाने की टिकट मिलेगी क्या? पक्का हो जाएगा ना? ओके, थैंक यू। ये क्या यार, तू आज ही जा रहा है? ये भी अच्छे के लिए है, जितनी जल्दी यहाँ से जाएगा उतना ही अच्छा है। और चिंता मत करना, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। सुनिए, आप जरा समझाइए ना। हे, हाँ, कहाँ है तू? जल्दी चलना। आता हूँ यार, शाम तक का ही समय है, कहीं बाहर चलकर आते हैं। आ गया यार। कार्तिक, गांव जाने के लिए बस थोड़ा ही समय बच गया है, इस बीच कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो पापा, मन थोड़ा उदास लग रहा है तो बाहर जा रहे हैं। जल्दी आ जाना, टेक केयर। ओके पापा, संभल कर जाना। ए, जैसा उन्होंने कहा, गांव जाते समय घर पर रहना सही है। मन उदास है यार, बाहर जाकर आते हैं। सुनना, तू सब संभाल लेगा ना? तू बेफिक्र होके जा यार, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। यहाँ रहेगा तो पुण्य की यादों में मेरे जैसा हो जाएगा, इसीलिए एक चेंज चाहिए तुझे। तू दोस्तों के साथ रहकर खुशी खुशी आ। तू है इसीलिए तो मैं गांव जा रहा हूँ। मैं देख लूंगा यार, तू बिना किसी टेंशन के जा। Cheers. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कार्तिक। मुझे धोखा दिया है, तू जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं तुझे मार डालूंगा। यार, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया है, लाकर देगा क्या? प्लीज, अभी चाहता हूं यार। Yeah!
कार्तिक, मुझे कुछ हो रहा है यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कार्तिक, कुछ नहीं मेरे दोस्त, जो बियर तू पी रहा था उसमें जहर मिला दिया मैंने। तूने किया? क्यों किया? क्यों? तेरे खाने से लेकर तेरे पहनने तक, यहाँ तक कि हॉस्टल का फीस भी, और ये जो चड्डी तूने पहनी है वो भी मेरा ही दिया हुआ है। अरे सब कुछ तूने ही दिया है। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तूने धोखा दे दिया मुझे, इसीलिए, बस इसीलिए मैंने तेरे बियर में जहर मिलाया। तेरे जैसे धोखेबाज को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। यार, जिंदा ही नहीं रहने का, जिंदा ही नहीं रहने का। और इसीलिए जो तूने मेरे लिए जहर मिलाया था उसे मैंने बदल कर तेरे लिए रख दिया। सॉरी यार। संध्या, कहाँ गया तेरा पति? उसे एक जरूरी बात बतानी थी। जब देखो स्टेट चला जाता है, अगर जरूरी बात हो तो किसको बताऊं? पूर्णिमा मर गई ना, उस सदमे में अपने कार्तिक ने खुदकुशी कर लिया। ए, कार्तिक के साथ क्या किया तुमने, बताओ मुझे। ए, क्या किया उसके साथ, बताओ, बताओ मुझे, क्या किया, क्या किया कार्तिक के साथ, बताओ, बताओ मुझे, बताओ ना। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? उसको आगे की इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाओ। इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? चलो पहले एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को मॉर्चरी भेजो, आगे क्या करना है बाद में बताता हूं। पब्लिक को क्लियर करो, पब्लिक को क्लियर करो। ए, चलो यहां से निकलो, चलो आगे जाओ, चलो बढ़ो। तमाशा हो रहा है क्या? ए, तुम लोग यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो जाओ, चलो जाओ, जाओ, यहां तमाशा हो रहा है क्या? कल कोर्ट में आना गवाही देने के लिए, समझा? देखो कोर्ट का नाम सुन के कैसे भाग रहे हैं ये लोग, कभी नहीं सुधरेंगे। गांव जाने से पहले तुम दोनों बाहर जाकर आओगे ऐसा बोल कर गए थे ना, ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ कार्तिक मेरा बेटा? कार्तिक क्या हो गया बेटा?
भगवान ये क्या दर्द हो गया। सॉरी सर, सॉरी, आपसे मुझे अकेले में बात करनी है, प्लीज कोऑपरेट मी, प्लीज। आप कोडाईकनाल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके घर में एक के बाद एक घटना होने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत तकलीफ हो रही है। एंड इट्स अ क्लियर केस, ये पक्का सुसाइड का केस है। अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। मेरा और मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं है सर। सर एम्बुलेंस बस आने वाली है, बॉडी को मॉर्चरी में भेज दो। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। किसी को खाना नहीं खाना है क्या? जो हो गया उस बारे में सोचकर कब तक भूखे रहोगे? मुझे कोई तकलीफ नहीं है क्या? खाना खाइए आप लोग पापा। ऊपर वो भी तो भूखी होगी ना, मैं उसे खाना देकर आता हूं। संध्या, ये सांबर है, ये रसम है और ये खाना है। हे, ये क्या है संध्या? नींद की गोली है। ओ, सुसाइड करना चाहती हो? कर लो, कर लो, कर लो। संध्या, ये करीब 20 गोलियां हैं, ये तुम खा लो। मरने में 2-3 घंटे लगेंगे, मेरे लिए इतना काफी है। मुझे जो अपनी लाइफ में एक बार करना है वो मैं कर लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लेटकर मर जाऊंगा। क्या होगा जरा सोचो ना, तुम्हारा पति भी खुदकुशी कर लेगा, पूरी दुनिया सोचेगी कि हमारा अवैध संबंध था। जिस परिवार के लिए तुमने इतने सारे कष्ट उठाए वो सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, खाओ खाओ, सारी गुड़िया खा लो, खा लो ना, खा लो तुम। अब क्या हुआ, खाओ ना, अब क्या हो गया? तुम मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो। हे, टेंशन मत लो संध्या, मैं हूँ ना तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखने ही तो यहाँ आया हूँ, इसलिए तो इतना कष्ट उठा रहा हूँ। जो मर रहा है मरने दो, सिर्फ तुम्हारा पति बचा है, उसे भी मैं मार दूंगा। उसके बाद सिर्फ मैं और तुम, हाँ, लेकिन उसे अभी मारा ना तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए कुछ दिन बीत जाने दो, उसके बाद मारूंगा। तब तक तुम शांत रहो, उसके बाद हम खुशी से जी सकते हैं संध्या। ये क्या संध्या, कुछ गलत ना कर दो ये सोचकर मेरे पीछे आई? जो करना है सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगा संध्या, ये तो बच्ची है संध्या। मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं अपने पति को ना खो दूं।
मम्मी उन्हें छोड़कर गई तो तुम उन्हें मार डालोगे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, सबकी वजह मैं हूँ। अगर तुम मुझे पालोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से चले जाओगे। अभी नहीं, कल पहाड़ के करीब झरने के पास मिलो। ये दिखाने के लिए मुझे बुलाया था क्या? संध्या, 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 मैंने खुद तुम्हें मार दिया संध्या, तुम्हें पाने के लिए मैंने पुण्य को मारा, अपने जिगरी दोस्त कार्तिक को भी मारा, और अब तुम संध्या, संध्या, जिस दुनिया में तुम नहीं वहां मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। संध्या, मुझे भी मरना है। संध्या, तुम्हें मरना है? सही कहा, तुम्हें मरना ही चाहिए। मेरे प्रति हवस की आग में जलते हुए तुमने दो प्यार करने वालों को भी उस आग में झोंक दिया। अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ना तो और पता नहीं कितने लोगों को मार डालोगे तुम। अगर हमें चैन से जीना है ना तो तुम्हें मरना होगा।
संध्या, तुम जिंदा हो संध्या? तुम्हारे हाथों से मरना मुझे खुशी देगा संध्या। तुम जिंदा हो ना, मेरे लिए इतना काफी है। मुस्कुराओ संध्या, संध्या हंसो ना। वो क्या है ना, तुम हमेशा मुस्कुराती रहो और हमेशा हंसती रहो। मुझे इतना ही चाहिए संध्या। हाँ कार्तिक, पुण्य इधर आओ। नहीं आओगे क्या? अभी हम दोनों कितने खुश है तुम्हें पता है क्या? अब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी जिंदगी मुस्कुराते हुए खुशी से रहने वाले हैं। हम लोग एकदम खुशी से रहेंगे। एकदम खुशी से रहेंगे।